हेलो फ्रेंड, इंडियन एडवांस स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नारायण नर्सिंग कॉलेज GNM 2021 के बारे में। तो इसका GNM के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है आपको, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसका काउंसलिंग कभी होगा, मेरिट लिस्ट कभी होगा, इंट्रेंस एग्ज़ाम कभी से स्टार्ट होगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर सर्च करना है नारायण नर्सिंग कॉलेज GNM 2021 और आगे आपको लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर एक ऐसा एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको नारायण नर्सिंग कॉलेज GNM के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा, आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। उसे सर्च करना है, सर्च करते ही आप यहाँ पे दिखेगा आपको IASpaper.net नारायण नर्सिंग कॉलेज GNM, इसे क्लिक कर लेना। आपको क्लिक करते ही आप IAS पेपर की वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे आपको दिखेगा नारायण नर्सिंग कॉलेज GNM 2021 एप्लीकेशन फॉर्म डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न आपको इसी पेज में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा नारायण नर्सिंग कॉलेज ऑफ GNM, कुछ हाइलाइट्स हैं, इसके हाइलाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उससे पहले आपके सामने जो फॉर्म आया है उसे आपको फिल कर लेना। आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से स्टेट से, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरला, कर्नाटका, उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका सिटी क्या है, सिटी सेलेक्ट कर लेना है, सिटी सेलेक्ट कर लेना है। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, किस कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, किस कोर्स की आप जानकारी लेना चाहते हैं, उसे सेलेक्ट कर लेना। इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक, मैनेजमेंट, बीबीए, एमबीए, डिजिटल लर्निंग एमबीए, बीसीएमसी, कंप्यूटर, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, मीडिया फिल्म जर्नल, आर्किनोमेटिक्स, लॉ, साइंस, बीएससी, एमएससी, उसे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है, आपका हायर क्वालिफिकेशन 10th या 12th है, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर पीजी, जो भी है उसे सेलेक्ट करके गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक कर देना। जैसे आप गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको नारायण नर्सिंग कॉलेज ऑफ GNM के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा, आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट सारे नोटिफिकेशन देते रहेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर SMS के थ्रू, आपके जीमेल आईडी पर फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एग्ज़ाम नेम है नारायण नर्सिंग कॉलेज GNM। इसका एग्ज़ाम टाइप क्या है, UG लेवल का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम लेवल क्या है, स्टेट लेवल में एग्ज़ाम होता है ये। कोर्सेज ऑफर्ड, कौन इसे ऑफर्ड कर रहा है, इसे डिप्लोमा ऑफर्ड कर रहा है, कंडक्टिंग बॉडी इसे कौन कंडक्ट कर रहा है, कंडक्ट इसे नारायण नर्सिंग कॉलेज कर रहा है। एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन रहेगा, आपको ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना रहेगा। एग्ज़ाम मोड इसका ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम डेट आपको दिया हुआ टू बी अनाउंस, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ एग्ज़ाम डेट। ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट से जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी का आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। यहाँ पे आपको दिखेगा नारायण नर्सिंग कॉलेज ऑफ GNM 2021 इंपॉर्टेंट डेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे इवेंट आपको मिल जाएगा, डेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इवेंट जो होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखेगा, सबमिशिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टू बी अनाउंस, अभी तक कोई भी डेट अनाउंस नहीं हुआ, इवेंट भी अनाउंस नहीं हुआ, तो आपको इवेंट और डेट यहाँ से मिल जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ओपन द ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन मेंशन द प्रो, चेक द कैंडिडेट नीड टू बीइंग फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, आपको फिल करना पड़ेगा एप्लीकेशन, नीड टू एंटर सम नेसेसरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म, इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा आपको, पर्सनल डिटेल आपको एप्लीकेशन फॉर्म में, आपका पर्सनल डिटेल में आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर बनना है। उसके बाद आपका एजुकेशनल डिटेल, आपने 10th कहाँ से किया, आपने 12th कहाँ से दिया, 10th का मार्कशीट क्या था, 12th का मार्कशीट क्या था, 10th में आपके कितने मार्क्स थे, 12th के कितने मार्क्स थे, बोर्ड कौन सा था, उसे फिल करना पड़ेगा। उसके बाद कोर्स रिलेटेड डिटेल, आपने कोई कोर्स किया उसके रिलेटेड डिटेल डालना पड़ेगा। आपको कॉन्टैक्ट एंड पेरेंट डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट और पेरेंट डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा, और भी जो भी फर्दर डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन में मेंशन रहेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर उसे आपको फिल करना है। उसके बाद आपको स्कैनर इमेज लगा देना है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर लगा देना है, क्वालिफाइड साइज फॉर्मेट मेंशन रहेगा, आपको ऑथोराइज यूनिवर्सिटी के ऑथोराइज विल भी वहाँ पे दिया हुआ। कैंडिडेट आर ऑर्डर द फिल द एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली, आपको प्रॉपरली फिल कर लेना है, अपना करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डालना है, टोल तो टेक प्रिंट आउट, आपको एप्लीकेशन फॉर्म का अपने प्रिंट आउट निकाल लेना है। यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन फी, आपको दिया हुआ पेमेंट, एप्लीकेशन फी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस, कंसर्न एप्लीकेंट आर नोटिफाई द पे द एप्लीकेशन फी बिफोर ड्यू डेट से पहले आपको एप्लीकेशन फी भर देना। यहाँ पर पर्टिकुलर द एप्लीकेशन फी विल बी डिस्कस अबाउट ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पता डिस्कस होएगा, ऑफिशियल फी जो भी है उसका
यूनिवर्सिटी के, तो आपको ऑथराइज विल भी, आप ऑथराइज जो है यूनिवर्सिटी के वो बताएंगे आपका। यहाँ पे इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आप अगर एप्लीकेशन अपना भर देते, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको आपको रिसीव मिलेगा, पेमेंट पे रिसीव मिलेगा, उसे आपको रख देना, प्रायोरिटी सिस्टम में आपको अटैच कर लेना। उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10+2 कम्प्लीट रहना चाहिए विथ इंग्लिश मीडियम ग्रेड, मिनिमम 40% मार्क्स से ऊपर रहना चाहिए, क्वालिफाइड एग्जामिनेशन एप्लीकेशन आल्सो क्वालिफाइड द फॉर्म स्टेट ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज आपको दिया हुआ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्कूल यहाँ पे दिया हुआ गवर्नमेंट के थ्रू। यहाँ पे 10+2 आपका आर्ट से कंप्लीट रहेगा तो आपको मैथमेटिक बायोलॉजी इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी बिजनेस स्टडी अकाउंट होम साइंस सोशियोलॉजी फिजिकल फिलोसफी एंड इंग्लिश आपका रहना चाहिए। इंग्लिश इन्वेंट्री हेल्थ साइंस वैकेंसी स्ट्रीम ओनली पासिंग द रिकॉग्नाइज ये बोर्ड आपको दिया हुआ है AISSC बोर्ड ICSE बोर्ड SSC बोर्ड HSC बोर्ड आपको दिया हुआ है अदर बोर्ड आपको दिया हुआ। आप अगर ANM के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिया हुआ प्रोफेशनल ANM अंडर CBSE बोर्ड ANM आपका कंप्लीट रहना चाहिए अंडर CBSE बोर्ड बोर्ड स्कूल इन नोइंग द इंडियन नर्सिंग काउंसिल के रजिस्टर ANM के लिए स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए आपका। मिनिमम और मैक्सिमम एज आपको दिया हुआ एड्रेस 17 ईयर और 35 ईयर आपका रहेगा। मिनिमम एज आपका कम से कम एज 17 ईयर रहना चाहिए, उससे नीचे नहीं, और अपर एज जो है मैक्सिमम एज जो है आपका 35 रहना चाहिए, उसके ऊपर नहीं रहना चाहिए आपका एज। उसके बाद यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट दिया हुआ है, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर द अकॉर्डिंग द सेट कोर्स बिलो द मेंशन द डिटेल रिकॉग्नाइज द मेरिट लिस्ट। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर विल बी कम टू एडमिन सन एप्लीकेंस अकाउंट मेरिट लिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर विल इशू द मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी एप्लीकेंट कैंडिडेट नीड टू ओपन द ऑथोराइज वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी और द थ्रू मेरिट लिस्ट। आपको कैंडिडेट डाउनलोड द मेरिट लिस्ट ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डाउनलोड कर लेना आपका मेरिट लिस्ट। एडमिशन टू प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस आपको दिया हुआ है यहाँ पर नर्सिंग काउंसिलिंग एडमिशन नॉर्मली मोरली बेसिस ऑफ इंट्रेंस एग्जाम, इंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा बिटवीन अप्रैल एंड जून के बीच में। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रिंट रहेगा आपका, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगा, तो आप ऑनलाइन ऑनलाइन प्रोसेसर आपको दिया एज पर द नेट एडमिनिस्ट्रेट वेबसाइट ऑफ इंट्रेंस एग्जाम द फिल द रिक्वायरमेंट लेटर ऑफ प्रिंट प्रिंट आउट निकाल दें कम्प्लीट फॉर्म रिकॉर्डिंग डेट प्रिंट आउट अलॉन्ग विद द रिकॉर्डिंग DDDD के थ्रू आपको पे करना पड़ेगा आपका एप्लीकेशन फ़ी। उसके बाद ऑफलाइन प्रोसेस आपको दिया हुआ एप्लीकेशन नीड टू गेट द टुगेदर ब्राउचर द एग्ज़ाम स्टार्टिंग बॉडी फ्रॉम द डिजाइनिंग सेंटर फिनिश द फॉर्मेलिटी जो रहेगा आपको विजिट करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से जाके आप फॉर्मेलिटी चेक करके विजिट करके आप अच्छी तरीके से फिल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आपका काउंसलिंग राउंड स्टार्ट होगा, काउंसलिंग इन द काउंसलिंग राउंड एप्लीकेशन नीड टू ओपन पर्टिकुलर लिंक, आपको पर्टिकुलर लिंक ओपन करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद काउंसलिंग राउंड एप्लीकेशन नीड टू ओपन चॉइस अलोंग रहेगा प्रेफरेंस स्कोर चॉइस फिलिंग काउंसलिंग राउंड रहेगा आपको। विन द काउंसलिंग राउंड एप्लीकेशन नीड टू डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा वो डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। उसके बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके यूनिवर्सिटी के सीट चॉइस रहेगा एप्लीकेशन नीड टू विजिट अलॉटेड कॉलेज, आपको जो भी अलॉटेड कॉलेज रहेगा उसमें विजिट करके आप चेक कर सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिली हैं, यहाँ पे एड्रेस आपको मिल जाएगा। स्पीच की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आई हो तो।